अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि आपके वेबसाइट पर या ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आना। अगर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आते हैं या गूगल सर्च में नहीं आते हैं तो आपका एडसेंस भी अप्रूव नहीं होता है। जब आप नया वेबसाइट बनाते हैं तो अब मुश्किल होता है कि आपका वेबसाइट रैंक करे। आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं तो गूगल एडसेंस के तरफ से आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी मैसेज आपको नहीं आती है। आपका जो रिव्यू है कुछ दिनों में चली जाता है, 3 दिन से अलावा 10 दिन में 15 दिन के बाद भी आपको कोई मैसेज उसका रिप्लाई नहीं आता है। इनका सबसे बड़ा फैक्ट कारण होता है कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आना। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज सकते हैं। इनमें मैं 3 तरीका बताऊंगा, एक है फेक तरीका और दूसरी है बैक लिंक के जरिए, और तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी वेबसाइट से आप बैक लिंक ले सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको लिंक पेस्ट करना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ही आपको वो बैक लिंक तैयार करके दे देगा। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज टेक बीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज टेक बीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए और काले बटन को नीला कर दीजिए ताकि इंटरनेट से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने पीसी पे और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नंबर तीसरे वाले पे, जो कि है ऑटोमेटिक बैकलिंक क्रिएट कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में या फिर कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो। मैं फेवरेट है मेरा क्रोम ब्राउज़र, तो मैं क्रोम ब्राउज़र ही ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र मेरा ओपन हो रहा है, तो मेरा अभी गूगल खुल चुका है दोस्तों और यहाँ पे आपको सर्च करनी है। तो अभी मैं सर्च कर लेता हूँ जीट एसईओ टूल। आपको सेम प्रकार इसी प्रकार आपको सर्च करनी है। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का खुल जाएगा दोस्तों। तो आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिख रहा होगा बैकलिंक मेकर, तो आपको यहाँ पे ऑन करना है, इसे खोल लेना है। मैं इसे खोल लेता हूँ तो आपको कुछ डैशबोर्ड इस तरह का खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करने से, आप जो भी एड वगैरह आएगा तो इसे आप क्लोज कर दें। तो आप अपना वेबसाइट को खोल लें जिसे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं बैकलिंक के जरिए। तो मैं उसे खोल लेता हूं, मेरा वेबसाइट है kyakaise.ooo। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद आपको यहां पे एंटर योर डोमेन नेम, तो आपको यहां पे आपको अपना डोमेन डालना है और इसे सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हो, ये देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट का नाम यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे सक्सेस एक दो ऐसे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे सब सक्सेस हो रहा है, कि इसमें ऑटोमेटिक ही आपको बैकलिंक बना के दे देगा इन सारे वेबसाइट से। आपको वेबसाइट भी यहाँ पे दिख रही होगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कॉपी करके। फर्स्ट नंबर पे आपको ये करना है, आपको यहाँ पूरा सक्सेस होने दें। तो मैं यहाँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ या फिर, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सब में सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। यहाँ जितना भी वेबसाइट है उस पर यहाँ पे बैकलिंक चले गई है। और यहाँ पे ट्राई और न्यू यूआरएल करेंगे आप, यहाँ पे ट्राई न्यू यूआरएल पे और फिर से अपना वेबसाइट डाल के यहाँ पे आप अपना फिर से ट्रैफिक भेज सकते हो। ठीक है फ्रेंड, आपको इस तरह से आपको अपना बैकलिंक बना लेना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर दूसरे वाले पे और देखते हैं फेक ट्रैफिक कैसे लाया जाता है अपने ब्लॉग पर या वेबसाइट पर। आप ब्लॉग पर या फिर आप वेबसाइट अगर बनाए हैं तो आप वेबसाइट पर किसी में भी आप फेक ट्रैफिक ला सकते हैं। तो वो कैसे होता है, ये अधिकतर काम करता है जब आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। तभी जब एडसेंस के लिए आप अप्लाई किए हो तो आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन ये कीजिएगा तो आपका एडसेंस जो है अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना वेबसाइट का यूआरएल यहां से कॉपी कर लेता हूं अभी कंट्रोल सी से। उसके बाद मैं यहां से काट देता हूं और मैंने एक डाउनलोड करके रखा है, वो स्क्रिप्ट है ट्रैफिक स्क्रिप्ट। अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए तो हमें आप कमेंट कर दीजिए, तो कमेंट में आपको उसका लिंक बता दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे आप लिंक ले सकते हो, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट ही। और आपको बता दूँ, इसे आप इंस्टॉल करना होता है अपने पीसी में। आप जैसे ही नॉर्मल सा जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आपको सेम इसी प्रकार इंस्टॉल करना होगा, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड साइट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ HTTP यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप यहाँ रहने दे सकते हैं या फिर जो आप पेस्ट किए हैं, जो आप कॉपी किए हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर दें। तो ओके पे अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे माय साइड और यहाँ पे 0 और यहाँ 100% ऑनलाइन यहाँ पे दिया हुआ है और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप छोड़ दें, इस तरह रहने दें। तो आप देखेंगे थोड़ा देर में कि आपका जो ये ट्रैफिक है वो बढ़ने लगेगा। इसके लिए आपको नेट कनेक्शन ऑन रखना होगा। तो आप यहाँ सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वाईफाई से अभी कनेक्ट करके रखा है अपने फ़ोन के वाईफाई से, तो ये ऑन है और इसे मैं यहाँ पर 2-3 मिनट छोड़ता हूँ। इसमें कुछ समय लगता है, 2-3 मिनट बाद ही स्टार्ट होता है वो।
मैंने यहाँ पे ब्लॉग आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लॉग का अकाउंट भी यहाँ पे खोल के रखा हूँ और यहाँ डैशबोर्ड खोल दिया हूँ और यहाँ पे स्टेटस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि कितना व्यू यहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए 292 यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा है ना फ्रेंड, 292। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे नाव पे क्लिक करता हूँ अभी, तो नाव पे 292 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा ऊपर बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो पोज कर दूंगा, करीब 2-3 मिनट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार लोड करता हूँ मैं और देखता हूँ, यहाँ देखिए इस जगह से आपका बढ़ चुका है, 9 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए 375। इस तरह यहाँ से देखिए फिर से यहाँ ज़्यादा किया था, फिर यहाँ पे इतना ऑटोमेटिक ही बढ़ रहा है। तो आपको फेक ट्रैफिक इसी तरह भेज लेनी है। तो आप बढ़ते हैं नंबर 3 पे और देखते हैं कि अपना बैकलिंक तैयार कैसे करें। जब आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है, अगर आपका सर्च में नहीं आता है तो आप बैकलिंक तैयार कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट का जो पोस्ट है वो फर्स्ट रैंक पे शो होता है, सेकंड रैंक पे शो होता है। तो आपको बैकलिंक बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है जहाँ पर आप मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हूँ और काफ़ी सारे वेबसाइट के नाम हैं इसके अंदर। इनमें से आपको किसी में आपको यहाँ पर टाइप करके इसे यहाँ से कॉपी करना है और जाके सर्च बार में पेस्ट करना है और वहाँ पे जाने के बाद आप उसे वेबसाइट पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। अब कमेंट किस तरह करना है आपको मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से आपको कमेंट करना है। जैसे कि मैं एक अपना वेबसाइट ही खोल लेता हूँ, जैसे कि कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप खोल लें ठीक है फ्रेंड, और उसके नीचे चले जाएँ, आप कमेंट के जरिए उसे बैकलिंक तैयार कर सकते हो। आप जहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको नाम डालने का ऑप्शन है, ईमेल डालने का ऑप्शन है और वेबसाइट डालने का ऑप्शन है, तो अपना यहाँ पे डाल के और यहाँ पे कमेंट में आप अच्छा खासा कुछ कमेंट कर दें और उसे आप पोस्ट कर दें। जहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन नहीं दिखती है कहीं पे, तो आपको किस टाइप से करना है, तो दोस्तों आपको HTML के थ्रू आपको करना है। जहाँ पे आपको ये सब ना दिखे तो यहाँ पर आपको डालना है अपना वेबसाइट का URL और यहाँ पर जो आप लिखना चाहते हैं इस जगह आप डाल दें, पोस्ट पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि नाम का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर नाम भी चलिए कुछ भी डाल देता हूँ, ईमेल आईडी भी मैं यहाँ पे चलो डाल देता हूँ और वेबसाइट भी चलो मैं वेबसाइट भी यहाँ से डाल देता हूँ और जाके ऐसे आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका पोस्ट जो है वो आपका सबमिट हो जाएगा वहाँ पे। आप उसके ज़रिए कोई भी उस पोस्ट को अगर पढ़ेगा तो आप यहाँ पे बैकलिंक के ज़रिए आप उसे पहुँच सकते हो। ये कमेंट जो है यहाँ पे तत्काल के लिए तो ये रिव्यू में चले गया, जो भी इसका एडमिन है वो इसे रिव्यू करेगा और तब जाके इसे आपको दिखाएगा। अगर रिव्यू कर देता है तो अच्छा खासा बैकलिंक बन सकता है आपका। उसी प्रकार काफ़ी सारे हैकिंग के वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अभी आप कमेंट कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे आप जाके आप आराम से उसे कमेंट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।